और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे जितने भी प्लेयर्स हैं मैक्सिमम प्लेयर्स उनको जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी फैमिली से, और हसीन भी उनसे मिल चुकी है, उनकी फैमिली से मिल चुकी है, और वो आप लोगों को बता भी चुकी है कि हाँ वो कैसी फैमिली से हैं। तो मोहम्मद भाई हैं, और जहाँ तक पाकिस्तानी लड़की का सवाल है, पैसे लेने देने का कोई मतलब नहीं। शमी भाई, शादी तक कंप्रोमाइज़ की बात चल रही थी, क्या ऐसा क्या हो गया बीच में, कोई दोबारा आरोप लग गए? देखो, मेरी फैमिली ने भी उनसे कांटेक्ट किया है, उसके पापा से कांटेक्ट किया है, सब लोगों से हमारे सब लोगों की बात हुई है, क्योंकि चाचा की भी बात हुई है, मामा की भी बात हुई है, हसीन से खुद बात हो चुकी है इस बारे में, और वो लोग कल से यही बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग बैठ के बात करेंगे, हमारी फैमिली का मैटर है और हमारा वो है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे ये इनको कौन भड़का रहा है या ये अचानक से स्टेटमेंट आया है। वो एसटीसी का मोबाइल है, वो किसका है? वो मेरा नहीं है, एसटीसी का मोबाइल मैं आपको बोल चुका हूँ, मेरा मोबाइल ये है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? कुछ नहीं, मैं लीगल पे भी कहना चाहूँगा। तो कंप्रोमाइज के सारे रास्ते क्या बंद हो गए हैं या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? नहीं है, हमारी बात बराबर चल रही है, और हम चाहते हैं हमेशा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली के साथ हमेशा जैसा कुछ दिखता था वैसे खुश रहूं, और उनसे बात भी चल रही है, सब लोगों से उनसे बात हो रही है, और हम इस चीज़ को बैठ के, मेरी फैमिली का मैटर है, मैं इसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के। आपकी पत्नी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा आप देश को धोखा दे सकते हैं। मोबाइल किसका है? देखिए, जहाँ तक धोखा देने का सवाल है, मैं हमेशा देश के लिए खेलता आया हूँ, अपना कैमरा, और जितना मेरा एफर्ट देने का सवाल है कि मैं 100% अपने देश के लिए हमेशा खेलता ही आया हूँ, और खेलने की जितनी भी मेरे मुझे चांस मिले मैं पूरा 100% एफर्ट दिया है। और मैं जहाँ तक आरोप का सवाल है, मैं इस आरोप से पहले, लगने से पहले मैं अपनी मौत देना पसंद करता हूँ कि मैं अपना मरना चाहता हूँ, अगर ये आरोप मेरे।